इस वीडियो में हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए इंट्राडे स्टॉक्स का सिलेक्शन करने वाले हैं। इसके साथ हम इस वीडियो में ट्रेंडिंग स्टॉक्स और ट्रेंडिंग मार्केट न्यूज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डेटा को एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी डिटेल को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में यूज किए गए ट्रेड सेटअप को सिर्फ इंट्राडे स्टॉक्स को पिक करने के लिए यूज किया गया है। अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तब आपको नीचे दिए गए वीडियोस को जरूर रेफर कर लेना चाहिए। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सैटरडे 28 ऑफ सितंबर को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। यहाँ पे हम ग्लोबल इंडेक्सेस को डाउनसाइड के साथ क्लोज होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाता है। तो आप नेक्स्ट मंडे को मार्केट को साइडवे ट्रेंड में मूव करता हुआ देख सकते हैं और इसमें आपको एक डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है। तो हम आज इस वीडियो में ऐसे चार स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनमें नेक्स्ट मंडे को आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। पहले स्टॉक का चार्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इस स्टॉक में हमें लास्ट फ्राइडे को लगभग 6% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। यहाँ पे हम इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और बीवीएप लेवल्स पे अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को देख सकते हैं और इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में भी हमें एक स्ट्रॉन्ग बियरिश क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप इस स्टॉक में अभी भी एक सेल कॉल ले सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक को रिवील करते हैं तो इस स्टॉक का नाम इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है। हमें फ्राइडे को इस स्टॉक में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है और ये अपने वीवाप लेवल्स के काफी नीचे अपना क्लोजिंग दे रहा है। यहाँ पे हम इसके ऑर्डर बुक में भी सेलर साइड में 14,779 स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आपको इस स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग आगे देखने को मिल सकती है। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आप इस स्टॉक को सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है उसका चार्ट यहाँ पे सामने आ चुका है। आपको इस स्टॉक में पिछले कई दिनों से एक कंटिन्यूअस डाउनसाइड देखने को मिल जाता है और हम अभी भी इसके मेजर ईएमएल लेवल्स और वीवाप लेवल्स पे एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड को देख पा रहे हैं। पिछले फ्राइडे को हमें इस स्टॉक में लगभग 4.5% तक एक गिरावट इंट्राडे के दौरान देखने को मिल चुका है। इस वजह से हमें यहाँ पे इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में एक स्ट्रॉन्ग बियरिश ट्रेंड यानी कि एक सेलिंग प्रेशर अभी भी फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक को भी अपने वॉच लिस्ट में सेल साइड के लिए कंसीडर कर सकते हैं। अगर हम इस स्टॉक का नाम यहाँ पे रिवील करते हैं तो ये यस बैंक है। हमें इस स्टॉक में लास्ट फ्राइडे को लगभग 5% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है और इसने 48.4 के लेवल्स पे अपना नया 52 वीक्स लो भी बनाया है। इस वजह से आप इसके ऑर्डर बुक में अभी भी सेलर साइड में 2.52 लाख से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं, जिस वजह से हमें आगे इस स्टॉक में एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकती है। इसके स्टॉक फ्यूचर लेवल्स में भी हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप इस स्टॉक को नेक्स्ट मंडे के लिए सेल साइड के लिए कंसिडर कर सकते हैं। तीसरे स्टॉक का चार्ट यहाँ पे आपके सामने आ चुका है। इस स्टॉक में भी हमें लास्ट फ्राइडे को लगभग 4.7% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है और इसने अपने ईएमएल लेवल्स और बीवीएप लेवल्स पे भी एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर हम फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इसके वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर में हम यहाँ पे एक बियरिश क्रॉसओवर को देख सकते हैं, इसलिए आगे भी इस स्टॉक में यह डाउन ट्रेंड जारी रह सकता है। इस स्टॉक का नाम टाटा स्टील लिमिटेड है। इस स्टॉक में हम इसके वीवाप लेवल्स को इसके क्लोजिंग से काफी ऊपर देख पा रहे हैं और इसके ऑर्डर बुक में भी हम 16,000 से भी ज्यादा स्टॉक्स को सेलर साइड में देख सकते हैं। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर से उसे चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी हमें सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से आप इस स्टॉक को नेक्स्ट मंडे के लिए सेल साइड के लिए अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। चौथा स्टॉक का जो चार्ट है वो सामने आ चुका है। इस स्टॉक में हमें पिछले कई हफ्तों से एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाता है और इस स्टॉक में हमें लास्ट फ्राइडे को लगभग 7.94% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। अगर हम इसका वॉर्टेक्स इंडिकेटर और एमएसडी इंडिकेटर को चेकआउट करते हैं तो यहाँ भी हमें एक बियरिश आउटलुक देखने को मिल जाता है और इसके
मेजर ईएमएल लेवल्स और ड्यूअप लेवल्स पे भी हम एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इस वजह से आगे भी आपको इस स्टॉक में ये डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। इस स्टॉक का नाम स्ट्राइड्स फार्मा है, यानी कि यह फार्मा सेक्टर का एक स्टॉक है और ये करंटली अपने 52 वीक्स लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके व्यू अप लेवल्स को चेकआउट करते हैं तो ये भी अपने क्लोजिंग लेवल से काफी ऊपर है और हम इसके ऑर्डर बुक में भी सेलर साइड में 2500 से भी ज्यादा स्टॉक्स को देख पा रहे हैं। इस वजह से आगे आपको स्टॉक में एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अगर हम इसका जो स्टॉक फ्यूचर से उसे रुक करते हैं तो यहाँ भी आपको बायर साइड के मुकाबले सेलर साइड में काफी ज्यादा सेलिंग कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से आप इस स्टॉक को नेक्स्ट मंडे के लिए सेल साइड के लिए अपने वॉचलिस्ट में शामिल कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली एटीएम रूल्स में कुछ चेंजेस किए हुए हैं, जिसका असर हमें आगे आने वाले कुछ ही दिनों में देश के 2.2 लाख एटीएम्स में देखने को मिल सकता है। जो पहला रूल है वो हमें फेल ट्रांजेक्शन पे देखने को मिल जाता है। अगर आपका जो एटीएम ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाता है, यानी कि आपको उससे कोई भी कैश नहीं मिलता, तो आपको अगले 5 ही दिनों के अंदर वो कैश रिटर्न हो सकता है। अगर आपका बैंक ऐसा करने में कामयाब नहीं होता तो आपको पर डे 100 रुपीज तक एक कंपेंसेशन आपके बैंक को पे आउट करना पड़ सकता है। जो अगला रूल है वो हम देख पा रहे हैं, यानी कि अगर आपका एटीएम ट्रांजेक्शन किसी टेक्निकल रीजंस जैसे कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या फिर कम्युनिकेशन इशू के वजह से फेल होता है तो आपको इस ट्रांजेक्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा, यानी कि आपके इस ट्रांजेक्शन को वैलिड नहीं माना जाएगा। जो अगला रूल है वो हमें फिर से नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ करेंसी नोट्स के लिए देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपके बैंक एटीएम में करेंसी अवेलेबल नहीं होता और आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसे भी एक वैलिड ट्रांजेक्शन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। जो फोर्थ रूल है वो हमें फिर से एक एटीएम ट्रांजेक्शन के ऊपर देखने को मिल जाता है, यानी कि अगर आपने इनवैलिड पिन डाला और एटीएम से कैश ट्रांजेक्शन करने का ट्राई किया तो उसे भी एक वैलिड ट्रांजेक्शन के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। जो फाइनल रूल है वो हमें फिर से देखने को मिलता है, वो है ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप जिस बैंक का अकाउंट होल्ड करते हैं और आप उसी बैंक के अकाउंट एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं तब आपके ट्रांजेक्शन को ऑनेस्ट ट्रांजेक्शन के रूप में काउंट किया जाएगा। इसे ऑगस्ट 14 के आरबीआई के सर्कुलर के थ्रू जारी किया गया है। जो नेक्स्ट न्यूज हमारे सामने निकल के आ रही है वो हमें इंडिया बुल ग्रुप्स की ओर से जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ग्रुप के ऊपर कोर्ट ने अपना पिटीशन जारी करने का ऐलान करने के बाद हमें इंडिया बुल्स रियल इस्टेट में इंट्राडे के दौरान 10%, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के ऊपर 6.4% और इंडिया बुल्स वेंचर्स में हमें 16% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। इस न्यूज के मुताबिक दिल्ली हाईकोर्ट आगे आने वाले कुछ टाइम में इस ग्रुप यानी कि इंडिया बुल ग्रुप के ऊपर एक पिटीशन जारी कर सकती है, यानी कि इस ग्रुप ने कुछ बिलियन रुपीज का जो फ्रॉड किया हुआ है, यानी कि अपने कुछ ही कंपनीज के अंदर कैश ट्रांजेक्शन करते हुए बहुत सारे लोन्स को डिस्पर्स किया हुआ है, जो कि एक फ्रॉड ट्रांजेक्शन माना जा रहा है। इस वजह से आगे भी आपको इन सब स्टॉक्स में एक भारी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आपको इन सब स्टॉक में कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट करने से रिसेंट टाइम में अवॉइड करना चाहिए। जो अगला न्यूज हमारे सामने निकल के आ रहा है वो हम स्ट्राइड फार्मा की ओर से जारी होता हुआ देख सकते हैं। यूएस में इसके रैनिटिडाइन सस्पेंशन किए जाने की वजह से इस स्टॉक में हमें इंट्राडे के दौरान 8% तक एक डाउनसाइड देखने को मिल चुका है। ये टैबलेट पहले यूएस में सेल किया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली इस टैबलेट को यूएस में बैन किए जाने के बाद यह स्टॉक अपने 52 लो के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक में आगे भी आपको ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। तो आपको इस बात का फायदा उठाते हुए इस स्टॉक में आप अपना इंट्राडे ट्रेडिंग करने के बारे में सोच सकते हैं। लास्ट फ्राइडे 27th ऑफ सितंबर को निफ्टी में 58 पॉइंट्स का एक डाउनसाइड देखे जाने के बाद हम ग्लोबल इंडेक्सेस जैसे कि डाउ 30, S&P 500 और नैस्टैक में एक मेजर डाउनसाइड को फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इस वजह से हमें निफ्टी 50 के फ्यूचर लेवल्स में यहां पे एक मार्जिनल अपसाइड देखने को मिल जाता है और फॉरेक्स मार्केट में भी हम इंडियन रुपी में एक साइडवे ट्रेंड को फॉर्म होता हुआ देख पा रहे हैं। इसलिए हमें नेक्स्ट मंडे को मार्केट में एक साइडवे ट्रेंड देखने को मिल सकता है और ये 11,500 के लेवल्स के नीचे हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम निफ्टी 50 का
टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी हमें डेली कैंडल्स में एक बियरिश कैंडल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये करेंटली लोअर साइड में हमें मूव करता हुआ आगे दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका RSI लेवल को चेकआउट करते हैं तो हमें इसमें एक डाउन ट्रेंड अभी भी देखने को मिल जाता है और ये करेंटली 60 के लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें हम नेक्स्ट मंडे को एक फर्दर डाउनसाइड की उम्मीद कर सकते हैं। अगर हम इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,500 के स्ट्राइक पे लगभग 1.52 लाख 925 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 12,31,200 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो हम 11,500 के लेवल्स को एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल की तरह कंसीडर कर सकते हैं। अगर निफ्टी इस लेवल के नीचे अपना ओपनिंग देता है तो हमें ये 11,400 के लेवल्स की ओर मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे हम 4.35 लाख 900 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हम इस लेवल पे 11,56,500 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो आप नेक्स्ट मंडे के लिए 11,400 के लेवल्स को एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें 11,500 के लेवल्स पे इन द मनी कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे 9.12 लाख 750 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। इससे हमें ये पता चल रहा है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अभी बियरिश है और इसमें हमें आगे भी एक डाउन साइड देखने को मिल सकता है। अगर हम हायर स्ट्राइक पे यहाँ पे चेकआउट करते हैं तो हम 11,600 के लेवल्स पे 10,05,225 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स को नया ऐड होता हुआ देख पा रहे हैं और हम इस लेवल पे 20,67,750 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो हाँ, तो आप 11,600 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह नेक्स्ट मंडे के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की ओर रुख करते हैं तो हमें इसमें निफ्टी की तरह ही एक बियरिश कैंडल डेली टाइम फ्रेम पे देखने को मिल चुका है और ये अभी भी अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल एवरेजेस के ऊपर हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन ये बहुत ही जल्द इस लेवल्स की ओर हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है और हमें इसमें ये डाउन साइड आगे कंटिन्यू रहता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इसका RSI लेवल को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हम एक डाउन ट्रेंड को अभी भी देख पा रहे हैं। करेंटली ये 50-60 के लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। हम इसमें नेक्स्ट मंडे को भी एक गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कैंडल्स में जो पैटर्न फॉर्म हो रहा है वो करेंटली बियरिश है। अगर आप इसके वीकली ऑप्शन चेन डेटा की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके पुट साइड में करेंटली 11,500 के लेवल्स पे 83,900 पुट कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई देगा और आप इस लेवल पे 2.82,980 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ भी देख पाएंगे। तो हम लोअर साइड में 29,500 के लेवल्स को ही एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम कॉल साइड में चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे हमें अभी भी 30,000 के लेवल्स पे 2.09,160 कॉल कॉन्ट्रैक्ट्स नया ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम इस लेवल पे करंटली 4.17,420 क्यूमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को बिल्डअप होता हुआ देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट मंडे के लिए 30,000 के लेवल्स को एक क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल की तरह कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए और हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस प्रयास का हिस्सा बनने के लिए आप नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।